हेलो फ्रेंड्स वेलकम गैन टू माय यूट्यूब चैनल सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ट्वेल्थ चैप्टर में से सेकंड पार्ट के बारे में अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप जाकर देख सकते हैं सो so, ट्वेल्थ चैप्टर के सेकेंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक के बारे में दैट इज एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट इज पॉल्यूशन एंड सेकेंड इज एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो पॉल्यूशन क्या होता है पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं क्या रीज़न्स हैं पॉल्यूशन के ये हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं आज हम सेकेंड मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नैचुरल रिसोर्स एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेसिव यूज़ किया जा रहा है जिसके कारण वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं नो डाउट जब एक इकॉनमी ग्रो करती है तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती हैं लेकिन अगर एक इकॉनमी में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ होगा तो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अगर एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है बाय एक्सप्लॉयटिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज देन दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ग्रोथ और डेवलपमेंट वो ग्रोथ ग्रोथ नहीं कहलाएगी वो अननेसेसरी ग्रोथ है वो नेचुरल रिसोर्सेस के साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सो so, यहां पर हमें कह रहे हैं एनदर मेजर कंसर्न फॉर एनवायरमेंट इज एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इन्वायरमेंट के लिए कंसीडर करना चाहिए वो ये है कि इन्वायरमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो इतनी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहे हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयट हो रहे हैं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एंड नेचुरल रिसोर्स आर कंसिडर्ड एज नेचुरल कैपिटल ऑफ एन इकॉनमी जैसे एक इकॉनॉमी की फिजिकल कैपिटल होती है लैंड बिल्डिंग मशीन्स ऐसे ही एक इकोनॉमी की नेचुरल कैपिटल भी होती है और अगर वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सेसिव यूज होगा तो वहां की नेचुरल कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाएगी डेवलपमेंट विदाउट मेंटेनिंग द नेचुरल कैपिटल इज यूजलेस अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिव यूज कर रहे हैं उसको मेंटेन नहीं कर रहे तो ग्रोथ यूजलेस है वो ग्रोथ किसी के काम की नहीं होगी क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं जिनको हम यूज कर पाए सो एज फिजिकल एंड नेचुरल बोथ कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी सो इसीलिए ये कहा जाता है कि कैपिटल चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो नेचुरल हो वो दोनों ही चाहिए एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का ओवरऑल मीनिंग क्या है एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूसेज ऑफ रिसोर्स इन एक्सेस मैनर नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉजेज ऑफ एक्सेस यूसेज मतलब क्या कारण है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं क्यों यूज हो रहा है फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन जैसे फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है जंगली जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट की ग्रोथ करना पेड़ लगाना उनके लिए ऐसे प्लेसेस डेवलप करना जहां पर जंगली जानवर रह सकते हैं जबकि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है फॉरेस्टेशन के ऑपोजिट पेड़ काटना जंगली जानवरों के रहने वाली जगह कम कर देना अपने रेजिडेंशियल के प्लेसेस इंक्रीज कर देना अर्बेनाइजेशन कर देना सो ये एक मेजर रीजन है हम अपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फॉर आर एग्जिस्टेंस हम अपने लिए जंगली जानवरों के रहने की जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन दी ट्रीज फॉर दस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को काटना अपने लिए या फिर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए डिफोरेस्टेशन लीड्स टू डिक्रीज इन वाइल्ड लाइफ एरियाज वेयर एनिमल्स यूज टू लिव अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे पेड़ों को काटेंगे तो जहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं जंगली जानवर रहते हैं उनकी प्लेस बचेगी ही नहीं रहने के लिए सो डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ सम स्पेशल इंडिविजुअल्स डिफॉरेस्टेशन एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जिसमें यह सिद्ध होता है कि इंडिविजुअल्स ह्यूमन बींग्स नेचुरल का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। so ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफ़ यानी पेड़ों को काटने की जरूरत क्या है क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं फर्स्ट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू फुलफिल द नीड ऑफ वुड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं पेड़ों को काटने के बाद जो उनसे लकड़ी मिलती है इसलिए पेड़ काटे जा रहे हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंशियल एरियाज़ पेड़ इसलिए काटे जा रहे हैं ताकि वहां पर घर बनाए जा सके रहने की जगह बनाई जा सके या फिर इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जा सके और और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जैसे रिवर प्रोजेक्ट्स कुछ एरियाज में पेड़ों को इसलिए काटा जाता है ताकि रिवर्स प्रोजेक्ट्स या वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जा सकें डिफॉरस्टेशन के साथ साथ सेकंड एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो ये सिद्ध करती है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो क्या है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब है डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड किसी भी एरिया की लैंड की सॉइल की उपजाऊ क्षमता कम हो जाना वहां पर ग्रोथ पॉसिबल ना हो पाना एग्रीकल्चर में दिक्कत आना दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड यानी लैंड की क्वालिटी डीग्रेड हो चुकी है डिक्रीज हो चुकी है यह भी एक एग्जाम्पल है किसकी एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की यानी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज कुछ इस प्रकार यूज कर रहे हैं कि वो एक्सप्लॉयड हो रहे हैं अब रीजन क्या है क्यों हमारे लैंड की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है फर्स्ट इज सोयल इरोजन सोयल इरोजन का मतलब है जो अपर लेयर होती है जो हमारे लैंड की सबसे टॉप लेयर होती है वो लेयर का खत्म हो जाना उस लेयर की क्वालिटी खत्म हो जाना उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जैसे फ्लड आने की वजह से जो ऊपर वाली परत होती है सॉइल की वो बह जाती है पानी के प्रभाव में या फिर तेज आंधियां जो चलती हैं हवाएं विंड्स उसके कारण भी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो उड़ जाती है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं तब भी सॉइल इरोजन होता है क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो सॉइल को एक ही जगह पर फिक्स करने में हेल्प करती हैं अब जब हमने पेड़ ही काट दिए तो हल्की से भी आंधी चलेगी तो वो टॉप मोस्ट लेयर जो है वो हवा के साथ उड़ जाएगी so, सो सॉइल इरोजन एक मेज रीजन है डिग्रेडेशन का डिग्रेडेशन ऑफ लैंड यानी लैंड की ऊपर वाली जो परत है वो हवा से या फ्लड से उड़ जाती है बह जाती है सोयल इरोजन मीन लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल विच इज है फॉर प्रोडक्शन पर्पज सॉइल इरोजन का मतलब क्या है सोइल की सबसे ऊपर वाली परत का खत्म हो जाना हवा के साथ आंधी के साथ या फ्लड के साथ बह जाना इट इज मेजरली कोज बाय फ्लड एंड स्ट्रांग इरोजन के साथ और क्या रीजन हो सकता है सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज होने का एल्कलैनिटी एंड सैलिनिटी यानी जो चिकनी मिट्टी होती है जहां पर पानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक खड़ा रहता है तो वो पानी को सोख लेता है लेकिन फिर भी अगर एक्सेसिव पानी वहां पर डाला जाए तो उसके बाद जो सॉयल है उसकी एब्जॉर्व करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो क्ले जैसी सॉइल बन जाती है वहां पर भी उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है सो so ये दो और रीजंस हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के नेक्स्ट हमारे पास है सम मोर रीजंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अब यहां पर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात नहीं कर रहे यहां पर हम किसके रीजन देख रहे हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी इन्वायरमेंट की क्वालिटी में डिक्रीज आना इन्वायरमेंट में क्या काउंट किया जाता है ये हमने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया था जो भी आपके आसपास सराउंडिंग्स में है चाहे वो मैन मेड है चाहे वो नेचुरल है चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है एयर सॉइल वाटर माउंटेन्स ह्यूमन बींग्स एनिमल्स प्लांट्स ये सब इन्वायरमेंट में आता है तो इसकी क्वालिटी क्यों डिक्रीज हो रही है क्या रीजन है कि हमारा इन्वायरमेंट डीग्रेड हो रहा है द मेजर रीजन फॉर द डिक्रीज इन नेचुरल कैपिटल आर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है इतनी ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है कि लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सेसिव यूज करना पड़ रहा है इसी के वजह से तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट हो रहे हैं एक्सेसिव यूज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं और उनकी क्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है so मतलब क्या है एकदम तेजी से एक इकॉनमी की पॉपुलेशन में इंक्रीज increase आना इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयड हो रहे हैं एक्सेसिव यूज हो रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है पॉपुलेशन का इंक्रीज होना क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का भी एक्सेसिव यूज होगा और रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे सो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ओवरलैंड लीड्स टू एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सेकेंड रीजन हमारे पास है वाइडर स्प्रेड पॉवर्टी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट नहीं है जिसके कारण लोगों को बिलो द पॉवर्टी लाइन रहना पड़ता है और जो लोग पुअर हैं वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकते हैं पेड़ों को काटेंगे उसकी लकड़ी को बेचेंगे और पैसा कमाएँगे पेड़ों को काटेंगे लकड़ी को यूज़ करेंगे अपने फूड कुक करने के लिए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है सो so, यहां पर हमें कह रहे हैं अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इंडिया में अभी भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है नियर अबाउट ट्वेंटी वन परसेंट जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन एग्जिस्ट करता है यानी उनके पास बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं है विच मीन्स दे आर एब्सोल्यूट पुअर इसका मतलब वो पुअर हैं और वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं दे यूज टू कट ट्रीज एंड सेल वुड एज अ रॉ मटेरियल टू अर्न लाइवलीहुड वो लकड़ी को काटते हैं इंडस्ट्री को बेचते हैं हालांकि लकड़ी को काटना इलीगल है लेकिन फिर भी वो छुप के अपने पेट अपनी अर्निंग्स के लिए अपनी लिविंग्स के लिए काटते हैं पेट और सेल करते हैं जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है सो so ऐसे ही और भी बहुत सारे रीजनस हैं लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले भाई आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अभी तुरंत ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोज अपलोड करता रहूं इसलिए आपकी मोटिवेशन चाहिए सो so, लाइक और शेयर कर दीजिए सो so, ऐसे ही थर्ड रीजन हमारे पास है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है इंक्रीज इन अर्बन एरियाज अर्बन एरियाज इतनी फास्टली ग्रो कर रहे हैं कि लोगों को जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ रहा है उनको काटना पड़ रहा है पेड़ों को काटना पड़ रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने रेजिडेंशियल एरियाज को इंक्रीज करने के लिए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है सो so, यहां पर हमें कह रहे हैं अर्बनाइजेशन मीन्स इंक्रीज इन अर्बन एरियाज अर्बनाइजेशन का मतलब होता है अर्बन एरियाज़ में इंक्रीज़ करना ड्यू टू विच लैंड आर कन्वर्टेड इन टू रेजिडेंशियल एरियाज एंड अर्बन एरियाज जिसके कारण लैंड जो कि नेचुरल रिसोर्स में काउंट होते हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है रेजिडेंशल एरियाज में और अर्बन एरियाज़ में जिसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज के डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो उनका यूज़ बढ़ जाता है और उनका एक्सेसिव एक्सप्लाइटेशन होना स्टार्ट हो जाता है सो so, अर्बनाइजेशन भी एक रीज़न है इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने का नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स जितने भी फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी को क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो और उनको मुनाफा हो लेकिन यही केमिकल्स इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं एयर पॉल्यूट करते हैं सॉइल पॉल्यूट करते हैं हमारे फूड को भी पॉल्यूट करते हैं क्योंकि वो केमिकल्स हम ही कंज्यूम करते हैं सो so पर कह रहे हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स देर इज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए केमिकल्स का यूज भी इंक्रीज हो चुका है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल द नेचुरल न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सॉइल अब जितना ज़्यादा केमिकल का यूज होगा उतनी ही नेचुरल सॉयल की क्वालिटी डिक्रीज होती जाएगी जो नेचुरली उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा सो so ये भी एक रीज़न है जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है फिफ्थ हमारे पास है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नो डाउट एक इकोनॉमी तभी ग्रो है, वहां करती है जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल इंक्रीज करती है यानी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होती है लेकिन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना टेक्नोलॉजी का यूज होना इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्ड्स दी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज होगा नो डाउट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी इकोनॉमी ग्रो करेगी लेकिन एयर पॉल्यूट होगा केमिकल्स एयर में वॉटर में रिलीज किए जाएंगे डिस्पोज किए जाएंगे सॉयल पॉल्यूट होगा जिससे इनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है सो so, पर हमें कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गुड थिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एज इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन एंड आउटपुट नो डाउट इंडस्ट्री का डेवलप करना एक इकॉनमी की ग्रोथ के लिए अच्छी बात है एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन और आउटपुट इंक्रीज होती है लेकिन इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दॉल्यूटिंग दैचुरल रिसोर्सिस ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को पॉल्यूट करने में so सो ऐसे ही सिक्स कॉज हमारे पास आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स अब जैसे ही पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है पॉल्यूशन क्यों इंक्रीज हो रही है उसका मेजर रीजन क्या है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज कंजम्पशन एक्टिविटीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट करना इन सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जिसके कारण नॉइज पॉल्यूशन होता है और एयर पॉल्यूशन भी होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज में एयर काउंट किया जाता है व्हीकल्स का यूज होगा तो केमिकल्स एयर में रिलीज होंगे एयर पॉल्यूट होगा और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का यूज कंट्रीब्यूट करते हैं नॉइस पॉल्यूशन के भी लास्ट हमारे पास आता है डिसरिगार्ड्स ऑफ सिविल नॉर्म्स यानी जितने भी एक्ट्स बनाए गए हैं उनको एग्जैक्टली exactly फॉलो किया ही नहीं जाता इंडिया में कोई सच एज पनालिटी नहीं लगाई जाती अगर लगाई भी जाती है तो वो बहुत कम है जिससे पे करने से लोगों को कोई हर्ज नहीं होता कई बार जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते डेलिब्रेटली यानी कुछ बंदे जान के उनको पता भी है लेकिन फिर भी वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते जैसे अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंड रास्ते में चलते कहीं पर भी गाड़ी का हॉर्न और लाउड स्पीकर ऑन कर दिया जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं नॉइस पॉल्यूशन में सो so यहां पर हमें कह रहे हैं जनरल पब्लिक इन इंडिया हु आर नॉट फॉलोइंग सिविल नॉर्म्स एंड लॉज र ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्डेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जनरल पब्लिक जो है हम हमेशा गवर्नमेंट का जो कसूर है वो नहीं निकाल सकते हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने नहीं किया शुरुआत हमें से करनी होगी जनरल पब्लिक जो है वही खुद नॉर्म्स नहीं फॉलो करते इसीलिए नेचुरल इन्वायमेंट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं लाइक अननेसेसरी यूज ऑफ फोन्स एंड लाउड स्पीकर So ये थे हमारी आज की वीडियो आई होप वीडियो अच्छी लगी है आपने लाइक भी कर दिया और शेयर भी कर दिया नहीं किया तो कर दीजिए फॉर योर बेनिफिट्स एंड फॉर मी बेनिफिट्स